दतिया जिले में चल रही अवैध रेत खनन के खिलाफ सोमवार देर रात माफियाओं के खिलाफ सिनावल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। वहीं बाकी ट्रैक्टर फोर्स की कमी के कारण मौके से देख भाग निकले। दरअसल पुलिस कप्तान डी कल्याण चक्रवर्ती के निर्देश पर सिनावल थाना प्रभारी सुधीर सिंह हिनारिया ने कार्रवाई की, जहां माफियाओं के द्वारा डंगरा कुआ रेत खदान से अवैध रूप से लाई जा रही थी। सिनावल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरगाए तिराहे से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर खनिज गोंद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कल रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरगाए रोड पर 5 ट्रैक्टर बिना रॉयल्टी के जो अवैध परिवहन कर रहे थे उनको पकड़ा है। उनके चालक ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए थे। ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे थे? ये डगरा कुआ है नौतिया, उसी तरफ से आ रहे थे। क्या कार्रवाई की है सर? उस पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बना के खनिज माइनिंग में भेज। दतिया से आकाश यादव की रिपोर्ट।